देखिए, इंडिया अलायंस अपना बेहतरीन प्रधानमंत्री प्रत्याशी ढूंढ रही है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। इसके बाद आपकी जिज्ञासा सारी खत्म हो जाएगी। हमको जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री मिल गया, उस दिन इंडिया अलायंस की सरकार इस देश में बन जाएगी। मैंने अभी आज प्रधानमंत्री का होगा, आज प्रधानमंत्री नहीं है आपके पास, इंडिया से होगा, एनडीए से होगा, आदर से होगा, जहां से भी होगा वहां से हम बना लेंगे। मैंने आज नहीं है मनोज जी, चिंता विपक्ष भी आज नहीं है प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार आपके पास, मीडिया भी ना करे। बहुत बढ़िया, चुनाव हो गया, अभी हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसका मतलब जो जीते हैं उनमें से कोई प्रधानमंत्री अभी बनाएंगे। परेशान ना हो, हम अच्छा प्राइम मिनिस्टर देंगे इस देश को। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग 22 पार्टियां चुनाव लड़ गई, राकेश जी 22 पार्टियों में इनको एक अच्छा फ्रेश योग्य प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ही नहीं मिला, वो इनको बाहर से लेकर के आना पड़ेगा, ये इनकी स्थिति। गरीब कर दिया। होल्ड अप, नहीं मैं बिल्कुल चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ मनोज जी, आपका सवाल विपक्ष बिल्कुल मजबूत हो। चलिए अनिजय जी, ठीक है, हाँ सब ठीक। राकेश जी, भाई राकेश जी, एक बात चल रही है कि कोई व्यक्ति किसी के घर गया तो उसने कहा भाई बच्चे से जरा पहाड़ा सुनाओ, तो उसने दो दुनी छह बोला, तो उसने शाबाशी दी पिताजी ने, उनका शाबाशी दे रहा, दो दुनी छह बोल रहा है, कहता कल तक तो दो दुनी आठ बोल रहा था, मैं इसकी प्रोग्रेस ना देखूं मैं इसकी। तो हालत ये है, एक 100 से कम सीटें आने वाले पूरे देश में अपनी सत्ता को देखना चाहते हैं, जो सच नहीं है। जो सच है उसको स्वीकारना चाहिए कि देश ने, इस देश में 240 सीटें एक पार्टी को दी हैं और बाकी सब जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको मिलकर के भी 240 नहीं मिली हैं। तो देश का जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई किसी भी तरीके का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज नायडू जी और नीतीश जी की बात कर रहे हैं, अरे भैया आपने कोशिश कर तो ली, नायडू जी ने भी ठुकरा दिया आपको, नीतीश जी ने भी कह दिया कि दोबारा आप कभी नहीं आएंगे, आना भी मत मेरे पास, दोनों ने कहा ना, बिल्कुल साफ कहा। तो आपने जिस पर कोशिश कर सकते थे आपने कोशिश कर ली, जनता पे कर ली, नेताओं पे कर ली, राजनीतिक दलों पे कर ली, हर जगह फ्लॉप होने के बाद, हर जगह फेल होने के बाद की स्थिति है, सरकार बन रही, कोई कोशिशों में कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो अब आने वाली है कि जब ये लोग जाएंगे वोट मांगने, तो लोग पहले वोट देने से पहले कहेंगे पिछले 8,500 रुपए दो, पिछला 1,00,000 रुपया दो, तब आना वोट मांगने, तब मैं देखूंगा कि कौन क्या कर रहा है, तब क्या जवाब देते हैं कि अरे भैया ये तो हमने कहा था कोई देना थोड़ा था, कोई सत्ता पाने पे देने की बात, ये जब स्थितियां आएंगी तब मालूम चलेगा किसकी सरकार बनती है, जिसका मध्यावधि चुनाव होता है, कौन गठबंधन की सरकार चला सकता है, नहीं चला सकता। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों को नाक खुला करके बीच में बोलने की आदत है, तो मैं उनके साथ बहस भी नहीं करता। फैल रहे थे इस देश में, जनता ने तय कर लिया है कि अब आप मौजूदा सत्ता से सवाल, ठीक। मनोज जी आपकी बातें नोटिस हुई, अनिजय जी अपनी बात पूरी करिए, मैं फिर आता हूँ मनोज जी आपके पास, प्लीज सुन लीजिए। अभी पिछले दिनों, आज 6 महीने पहले जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव हुए थे, तो इन्होंने कहा था कि नहीं देखो 10,00,000 वोट हमको ज्यादा मिले। अब ये बता दें कि 10 करोड़ वोट किसको ज्यादा मिले, और ना उनकी कैबिनेट की, देश की जनता ने किसको ज्यादा वोट दिए ये भी आप कर लेना, उस समय 10,00,000 वोट ज्यादा दिख रहे थे। मैं सिद्धार्थ के पास जाऊं, लेकिन एक मनोज जी, एक मेरी जिज्ञासा है, उसे शांत कर दीजिए मनोज जी। एक मेरी जिज्ञासा है कि अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी नतीजों के बाद कि अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है कि नायडू से बात करें, नीतीश कुमार से बातचीत करें, और संभव हो तो उन्हें इधर लेकर आए। क्या हुआ इसका? एक अपडेट आया है कि अखिलेश अब यूपी छोड़कर दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली की सियासत में रहेंगे, अच्छा भी है, तीसरी लार्जेस्ट पार्टी है तो दिल्ली में मजबूत दावेदारी होनी भी चाहिए। लेकिन वो नायडू नीतीश को मनाने का क्या हुआ? देखिए, इंडिया अलायंस अपना बेहतरीन प्रधानमंत्री प्रत्याशी ढूंढ रही है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं। इसके बाद आपकी जिज्ञासा सारी खत्म हो जाएगी। हमको जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री मिल गया, उस दिन इंडिया अलायंस की सरकार इस देश में बन जाएगी। मैंने अभी आज प्रधानमंत्री का होगा, आज प्रधानमंत्री नहीं है आपके पास, इंडिया से होगा, एनडीए से होगा, आदर से होगा, जहां से भी होगा वहां से हम बना लेंगे। मैंने आज नहीं है मनोज जी, चिंता विपक्ष भी आज नहीं है प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार आपके पास, मीडिया भी ना करे। बहुत बढ़िया, चुनाव हो गया, अभी हम ढूंढ रहे हैं, अच्छा प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसका मतलब जो जीते हैं
उनमें से कोई प्रधानमंत्री नहीं है। बनाएंगे, परेशान ना हो, परेशान ना हो, हम अच्छा प्राइम मिनिस्टर देंगे इस देश को। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। राकेश जी, हम हिसाब किताब नहीं देंगे, हम रगड़ा वाला नहीं देंगे, हम बिल्कुल न्यू देंगे, नया, अच्छा, बेहतरीन। नहीं तो इनकी वाली पांच साल नहीं चलेगी मनोज जी, तो आप वाली पांच साल कैसे चल जाएगी? कोई बात ना हो, इनकी वाली पांच साल नहीं चलेगी, नहीं दे सकते हो। अच्छा चलिए, सिद्धार्थ कुछ कहना चाहते हैं, सिद्धार्थ बोलिए। इसीलिए इनकी वाली नहीं चलेगी, हम प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री अभी तक प्रधानमंत्री के योग्य कोई व्यक्ति नहीं मिला इनको। मैं राकेश जी, मनोज यादव बात कर लिया कि अभी तक तो मैं आग्रह करूंगा कि जब भी योग्य व्यक्ति इसमें नहीं मिला। अरे आप वाले ने भाई, आप यहाँ उतार लेके आए हैं। मैं राकेश जी अपनी बात बड़ी संक्षिप्त में रखूंगा, पर इतने शोर शराबे में बात रखना संभव? मनोज जी आपने कोट किया था बीजेपी को, उसका जवाब सुन लीजिए। और सिद्धार्थ भाई वो कह रहे हैं मुस्लिम आरक्षण पर आप लोगों का क्या होगा, आंध्र में जो हो रहा है उनके मैनिफेस्टो में जो है उसका क्या होगा, उस पर भी बोल दीजिएगा। मैं सब पे जवाब दूंगा, पर मैं बस एक आग्रह करूंगा, पिछली बार भी जब बोल रहा था तो लगातार अजय जी बोल रहे थे, अग्निवेश जी बोल रहे हैं। नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। बोल रहे हैं, थोड़ी सी हम चार ही लोग हैं, डिबेट में कुछ मर्यादा का पालन करें, मैं ऐसा आग्रह। देखिए अभी यहाँ पे हमारी डिबेट पर एक बात बोली गई, उन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री मजबूर है इसलिए बहुत मजा आया। बिल्कुल मजबूर नहीं है, मजबूत है। इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री आया है, इसीलिए आप लोगों को मिर्ची लगती है ना? प्रधानमंत्री इतना मजबूत होता तो मिर्ची लगती क्या? आप तो मौज में थे ही, अपने अपनी मलाई चाटने की दुकान चली रही थी, कहां किसको कोई समस्या थी? इसलिए देश के मजबूत प्रधानमंत्री के आगे आपकी यही हालत होगी, आप आपके तो साथ होता रहेगा। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा हम ढूंढ रहे हैं अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छा कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। 10 साल 22 पार्टियां चुनाव लड़ गई राकेश जी, 22 पार्टियों में इनको एक अच्छा फ्रेश योग्य प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ही नहीं मिला, वो इनको बाहर से लेकर के आना पड़ेगा, ये इनकी स्थिति है।